गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 8। 7 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड बाय काउंटिंग इन टेंस। हमें ऐड करना है बाय काउंटिंग इन टेंस। तो कैसे करेंगे? जो हमारे पास 21 है, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल 87 एज इट इज़ प्लस 20 को हम कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 1। ओके, नाउ दिस टू नंबर्स प्लस, देन टू नंबर प्लस। 87 में 10 प्लस करेंगे, देखिए 0 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो 7, और 8 में 1 प्लस करेंगे 9, प्लस एज इट इज, देन 10 एज इट इज एंड प्लस 1 एज इट इज। नेक्स्ट दिस टू नंबर्स प्लस, 97 में 10 प्लस करेंगे, 0 में 7 प्लस करेंगे 7, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, प्लस एज इट इज 1 एज इट इज। देन 107 में 1 प्लस करेंगे 108, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐड बाय ब्रेकिंग नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू। हमें क्या करना है, नंबर्स को, टू नंबर्स दिए हुए हैं, इनको ऐड करना है बाय ब्रेकिंग नंबर्स यूजिंग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को यूज़ करके नंबर्स को ब्रेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन टू नंबर्स को ब्रेक करेंगे। अब देखिए 62 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 प्लस 38 को 30, ये 2 एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे और ये 8 एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। ओके, नाउ अब हम इन टू नंबर्स को प्लस करेंगे, देन इन टू नंबर्स को प्लस करेंगे, 0 में 0 प्लस किया 0, 6 में 3 प्लस किया 9, प्लस एज इट इज़ 8 में 2 प्लस किया 10, 90 में 10 प्लस करेंगे 100, ये आपका आंसर है। इस टाइप से आपने ये सेकंड वाला क्वेश्चन करना है। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।